ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आज मोदी मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। अमित शाह को गृह मंत्रालय, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा, निर्मला सीतारमण को वित्त, नितिन गडकरी को परिवहन, नरेंद्र तोमर को कृषि और पंचायती राज मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। साथ ही सदानंद गौड़ा को रसायन एवं उर्वरक, पीयूष गोयल को रेल, धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम, रविशंकर प्रसाद को कानून, स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय के साथ महिला एवं बाल विकास, हर्षवर्धन को स्वास्थ्य, रमेश पोखरियाल को मानव संसाधन विकास, मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मिला है। आपको बता दें, आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की पहली बैठक भी है। इस दौरान मोदी सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 57 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन की शुरुआत उनके शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने आए विदेशी मेहमानों से मुलाकात के साथ। पीएम मोदी सबसे पहले हैदराबाद हाउस में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ से मिले। इसके बाद वो श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन से मिले। इससे पहले वो कल रात किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव से भी मिले थे। इन सभी मुलाकातों में कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उत्तर 24 परगना जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग उनके काफिले के पास जय श्री राम के नारे लगाते दिख रहे हैं, जिसके बाद वो बौखला जाती है। दरअसल कल ममता अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक धरने में शामिल होने के लिए निहाटी जा रही थी, तभी कुछ लोग उनके काफिले के सामने आ गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। इससे ममता नाराज हो गई और चिल्लाते हुए कहने लगी, यहाँ आओ, हिम्मत है तो सामने आओ, मुझे फेस करो, बीजेपी के गुंडों, यहाँ पर तुम लोग हमारे कारण रह रहे हो, तुम जैसे लोगों को यहाँ से भगा भी सकती हो, तुम लोग सारे बदमाश लोग हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे काफिले पर हमला करने की, मैं तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ दूंगी, मुझे सभी लोगों के नाम चाहिए जो उपद्रव कर रहे हैं, एक एक के घर की तलाशी होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त राष्ट्रपति भवन में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ले रहे थे, ठीक उसी समय भारत के साथ अपनी दोस्ती का जश्न मनाते हुए यूएई की राजधानी अबू धाबी के आइकॉनिक एडनॉक ग्रुप का टॉवर भारत और अबू धाबी के झंडे में रंगा दिखा। 65 मंजिला एडनॉक ग्रुप के शीशे की दीवारों पर न सिर्फ दोनों देशों का झंडा दिखाई दिया, बल्कि पीएम मोदी और यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद का पोर्ट्रेट भी दिखा। दिल्ली में 24 अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, उसके पास ही वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ का घर है। उन्होंने अपने घर के बाहर ही राफेल विमान की प्रतिकृति लगाई है, जो कि इस समय दिल्ली वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। बीएस धनोआ ने इस मामले में कहा, हम लोग राफेल लड़ाकू विमान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी साल सितंबर में राफेल विमान भारत आने वाला है। इस प्रतिकृति से ये बात भी साबित होती है कि भारत सरकार अब इस मामले में पीछे नहीं हटने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान पीएम मोदी की मां हीरा बेन ने उन्हें टीवी पर शपथ लेते देखा और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हुआ, वो खुशी से झूम उठी और तालियां बजाने लगी। अपने बेटे को देश के प्रति समर्पित होते देख एक माँ की खुशी देखते ही बन रही थी। इस दौरान वो जोर जोर से तालियां बजा रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ घूस कांड के आरोपों की जांच पूरा करने के लिए सीबीआई को 4 महीने का और समय दिया है। दरअसल सीबीआई ने इस मामले में जांच पूरा करने के लिए 6 महीने की और मोहलत मांगी थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने रिश्वत के आरोपों पर राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। दिल्ली में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। बताया जा रहा है, दिल्ली में आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे और पारा 47 डिग्री तक जा सकता है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के महेश पालवत ने ट्वीट में लिखा, दिल्ली के पालम में 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मई महीने में 2013 के बाद दर्ज किया गया ये अधिकतम तापमान है।
आपको बता दें, दक्षिण भारत के तेलंगाना के कई हिस्से में लू की चपेट में आने से 22 दिन में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के करीबी रहे पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में पांचवे अभियुक्त वसीम को पुलिस ने कल रात गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक वसीम की गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद हुई है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से आरोपी वसीम घायल हो गया था, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। पीड़ित परिवार ने वसीम, नसीम, गोलू, धर्मनाथ और रामचंद्र के खिलाफ सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में धारा 302 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें, 25 मई की रात सुरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एडमिरल करमबीर सिंह आज नौसेना के नए प्रमुख बन गए। उन्होंने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने एडमिरल सुनील लांबा की जगह ली है। इस मौके पर उन्होंने कहा, पूर्व के नौसेना प्रमुखों ने ये सुनिश्चित किया कि नौसेना का आधार मजबूत रहे और आज ये नई ऊंचाइयों को छू रही है। मेरी कोशिश होगी कि उनके प्रयासों को जारी रखते हुए राष्ट्र को एक नौसेना मिले जो मजबूत और विश्वसनीय होने के साथ साथ समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़ी हर चुनौती की पूरी तैयारी करे। उत्तर कोरिया का नेता किम जोंग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई दूसरी शिखर वार्ता के विफल होने के बाद तिलमिला गया था। उसने अमेरिका में अपने विशेष राजदूत किम ह्योक चोक को मौत के घाट उतार दिया। दक्षिण कोरिया के समाचार पत्र चोसून इल्बो के मुताबिक किम ह्योक चोल वही शख्स था जिन्होंने हनोई वार्ता की आधारशिला रखी थी। उत्तर कोरिया का मानना है कि इस बैठक की विफलता को लेकर उन्होंने सर्वोच्च नेता के साथ विश्वासघात किया है। सलमान खान की फिल्म भारत सिल्वर स्क्रीन पर आने से पहले विवादों में घिर गई है। खबरों की माने तो एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की है, जिसमें उसने फिल्म का नाम बदलने की अपील की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म का नाम सेक्शन 3 प्रतीक और नाम के अधिनियम का उल्लंघन है। इस अधिनियम के अनुसार भारत शब्द का उपयोग प्रोफेशनल और कमर्शियल उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। डायरेक्टर बोनी कपूर की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस फोटो में बोनी ब्लैक सूट और डार्क शेड्स में नजर आ रहे हैं। फोटो में बोनी कपूर का लुक काफी चेंज है। दरअसल बोनी कपूर ने अपना 12 किलो वजन कम किया है। उनकी तस्वीर जानवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें जानवी ने लिखा, पापा ने 12 किलो वजन कम कर लिया, स्लिम ट्रिम और हेल्दी, आपके ऊपर गर्व है पापा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।